ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। आगे बढ़ते हैं और इंडिया मार्ट इस कंपनी पर फोकस करते हैं। तिमाही आधार पर इंडिया मार्ट के आय में करीब 5% की बढ़ोतरी रही है। मुनाफे की बात करें तो यहां पर भी 14% की बढ़ोतरी रही, साथ ही मार्जिन्स में भी सुधार दिखा है। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ कंपनी के फाउंडर और CEO दिनेश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर अग्रवाल, गुड मॉर्निंग। अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले नंबर्स की ही बात करते हैं। फर्स्ट क्वार्टर FY25 के नतीजों की बात करें तो सीक्वेंशियल बेसिस पर ग्रोथ कंपनी ने काफी अच्छा रिपोर्ट किया है। क्या आप हमें बता सकते हैं इसके फैक्टर्स क्या थे, इसके ट्रिगर्स क्या थे और क्या ये ग्रोथ के फैक्टर्स सस्टेनेबल है अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए? तो Q1 नंबर्स अगर आप देखें कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो कलेक्शंस 366 करोड़, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 331 करोड़ एट 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एंड डिफर्ड रेवेन्यू एट 1474 करोड़ एट 23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। EBITDA हैज सीन हैंडसम जंप अप टू 120 करोड़ ऑन द कंसोल बेसिस एंड 117 करोड़ ऑन द स्टैंड अलोन बेसिस। Same is the net profit. Cash generated from operating activities has been 136 crores, which is about 37% of the total collections. In terms of the customer, we have added about 1,500 new customers this month, this quarter. बिल्कुल। इस तिमाही हमने देखा कि कलेक्शन में कुछ धीमापन आया है, सब्सक्राइबर एडिशन में भी स्लो ग्रोथ देखने को मिली है। क्या आने वाले समय में भी ये जो दिक्कत है वो कंटिन्यू रह सकती है? हाँ, तो हम लोग काफी दिनों से फोकस कर रहे हैं प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ने की। जैसा कि आप देख रहे थे FY23 में हमने करीब 30-35 हज़ार कस्टमर ऐड किए थे और जिसकी वजह से हमारा मार्जिन स्ट्रक्चर थोड़ा हिला था और हम करीब 24-25-26% मार्जिन स्ट्रक्चर पे आ गए थे। पिछले 3 क्वार्टर से हमने उसमें बदलाव लाया है और हमने कोशिश की है कि जहां पे जिन एरियाज में या जिन इंडस्ट्रीज में हमारा कस्टमर रिटेंशन बेहतर था हम उस एरियाज पे ज्यादा काम करें और जिन एरियाज में कम था उस पे कम काम करें। तो जिसकी वजह से कस्टमर नेट एडिशन कम हुआ है लेकिन हमारा मार्जिन इम्प्रूवमेंट काफी हुआ है। तो अगर आप देखें तो पिछले 3 क्वार्टर में करीब 28% से मार्जिन बढ़कर के जो अभी 36% दिख रहा है लेकिन रहने को ये 33-34% तक रहने की उम्मीद है क्योंकि काफी सारी न्यू ज्वाइनिंग जो होती हैं वो अभी जून एंड और जुलाई में हुई है जिसका कि पूरा कॉस्ट इफेक्ट अगले 2 क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो ये मार्जिन जो 36-37% आया है ये हमारे ख्याल से 33-34% पे स्टेबलाइज होने की उम्मीद है। बिल्कुल। और मिस्टर अग्रवाल, क्या आप हमें बता सकते हैं एल्गोरिथम में कौन से मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड है जिसके चलते चर्न कम होता हुआ नजर आ सकता है और इसी के साथ अगर आप कोई टाइमलाइन बता सकते हैं इस चेंजेस के लिए? हाँ, तो एल्गोरिथम में एक तो हमें ये लगता है कि अब जब 2.25 लाख के आसपास कस्टमर हमारे पहुंच रहे हैं वहां पे करीब 50% कस्टमर गोल्ड और प्लेटिनम है। तो 1 लाख से ज्यादा कस्टमर गोल्ड और प्लेटिनम है जो कि हाईली एंगेज होता है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो हो सकता है कि जब प्री कोविड अगर हम देखें तो ये नंबर 75,000 से भी कम था, 60,000 ही था, तो वहां से ऑलमोस्ट डबल हो गया है ये नंबर, जो कि बहुत अच्छी बात है प्लेटफॉर्म के लिए। प्लेटफॉर्म पे 50-60 हज़ार हाईली एंगेज कस्टमर गोल्ड एंड प्लेटिनम से बढ़कर के करीब 1.25 लाख कस्टमर गोल्ड एंड प्लेटिनम का हो गया है। तो अब हम वहां पे शायद देख रहे हैं कि हो सकता है कंपटीशन थोड़ा कम करने की जरूरत है। तो हम जहां एक बायर को करीब 5 सप्लायर से जोड़ते थे, 6 सप्लायर से जोड़ते थे, अब हम कोशिश करके 4 और 5 सप्लायर तक सीमित रखेंगे। उसके अलावा कोशिश ये भी जारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हाइपर लोकल बायर से इंट्रोड्यूस किया जाए, ज्यादा से ज्यादा रेलेवेंट बाइंग की बायर सेलर की मैच मेकिंग हो सके। इसके अलावा हम लोग कैटेगरीज पे काफी डीप काम कर रहे हैं जो कि परमानेंट वर्क इन प्रोग्रेस रहता है। हमने कोविड के टाइम में काफी सीखने को मिला एक एक कैटेगरी में कैसे अंदर तक जा करके उसको ठीक किया जाता है और उसका क्यूरेशन जैसे जैसे बेटर होता जा रहा है वैसे वैसे अगर आप देखें तो हमारा बायर साइड भी बेटर हो रहा है। पिछले क्वार्टर हमारा यूनिक बिजनेस इंक्वायरीज करीब 15% तक बढ़ा है।
तो इस टाइप के मल्टीपल चेंजेस हम प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं, और उसके अलावा हम कॉल्स पे डिपेंडेंसी कम करके ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके चैटबॉट और एआई का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो इनिशिएटिव हैं अगले 2-3 क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट देने चाहिए। FY25 के लिए क्या प्लानिंग है आपकी, किस तरह के नए प्रोडक्ट के लिए पाइपलाइन दिखाई दे रही है, और क्या कुछ अधिग्रहण की भी योजना है आपकी? तो जो हमने पिछले क्वार्टर में एक 10% का माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट किया है वो किया है IDFI में, जो कि एक KYC के ऊपर डिजिटल KYC में बहुत बड़ा रोल है उनका। मर्चेंट ऑनबोर्डिंग में वो हमारी हेल्प करेंगे और बायर फ्रॉड डिटेक्शन में भी हमारी हेल्प करेंगे। उसके अलावा आप देखें कि हमारा लाइफ कीपिंग में करीब 51% स्टेक था, जिसको हमने बढ़ा करके 66% किया है, इन लाइन विद जो हमारा ओरिजिनल थॉट प्रोसेस था कि धीरे धीरे हम ये कंपनी को एक्वायर करेंगे। और उसका प्रोडक्ट लॉन्च भी काफी अच्छा रहा और प्रोडक्ट में अच्छा ट्रैक्शन है। बिजी में भी अगर आप देखें तो हमने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और मोबाइल ऐप का अच्छा रिसेप्शन है मार्केट में। मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी राव स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। तो नजरिया काफी पॉजिटिव है, इंडिया मार्ट के मैनेजमेंट के साथ हमने खास बातचीत की। आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारे साथ मेहमानों को भी जोड़ लेते हैं।